हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्चुअली हम जो है मेरा एग्ज़ाम्स में और अलग कुछ एक्टिविटीज़ में बिजी था, सो आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट एनी वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर द लास्ट वन मंथ। दो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे इस चीज़ के, बोया का BYM1 माइक, ठीक है गाइस। हर यूट्यूबर इसको प्रेफर करते हैं अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने के लिए, सो मैंने भी इसको मंगवा लिया है अमेजन से। लगभग 800 रुपीज़ का था, ठीक है, 700 ऐसे कुछ था, तो लगभग 800 का था। तो मैंने इसको मंगवा लिया है और अनबॉक्स भी कर लिया है गाइस, एंड एक्चुअली हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस, ये जो है अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, ये जो है एक माइक टेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो से ही हम पता करेंगे कि ये इसी माइक का परफॉर्मेंस कैसे है ना। सो बेसिकली गाइस, ये जो है एक माइक टेस्टिंग वीडियो था। आपको इस अनबॉक्सिंग करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, बाकी तो आप खरीदने से आपको ही पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो गाइस, ये अनबॉक्सिंग वीडियो या माइक टेस्टिंग वीडियो जो भी कहूँ, इसमें जो है मैं आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ गाइस। ये जो एक सिलिका जेल है, ठीक है, यहाँ में सिलिका जेल डू नॉट इट लिखे है, थ्रो अवे लिखे, ठीक है, थ्रो अवे बोल के लिखा है। तो बेसिकली गाइस, ये जो है आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, ये जो है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आता है और कुछ ड्राई फ्रूट्स पैकेट्स में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस, ये क्या है, ये जो है एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म है, ठीक है, जहाँ में इसमें जो है माइक्रो पोर्स होता है, ठीक है, माइक्रो में नहीं, नैनो में, ठीक है, नैनोमीटर्स में इसमें पोर्स होता है। इसके अंदर में जो गुटी गुटी है ना, इसके अंदर में नैनोमीटर्स में 2.4 ऐसे कुछ नैनोमीटर्स में पोर्स मिलते हैं, जो कि एक्चुअली वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो बेसिकली ये जो है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में अगर इन्वायरमेंट में अगर मॉइस्चर है ना, इन्वायरमेंट में अगर मॉइस्चर है तो वो जो है क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो गया, जो भी रिडक्शन जो भी होगा, रिएक्ट करेंगे और वो चीज़ को ख़राब कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये माइक के अंदर में भी गाइस, यहाँ में जो है इलेक्ट्रॉनिक कुछ इक्विपमेंट्स है, खास करके यहाँ में मरकरी सेल्स है, ठीक है, तो मरकरी सेल्स भी बाहर करके दिया था, तो अगर वो चीज़ में अगर मॉइस्चर है तो वो रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए उसको रिएक्शन को बचाने के लिए, यानी ये चीज़ को ड्राई और फ्रेश रखने के लिए हमारे पास ये सिलिका जेल दिया गया है, ठीक है। ये जो है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको देखने को मिलेंगे और अभी जैसे मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स पैकेट्स में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रही बात इसके टॉक्सिसिटी के बारे में बात करने से, कि ये जो है कितना डेंजरस है, राइट, यहाँ में डू नॉट इट लिखा है, थ्रो अवे, ठीक है। तो गाइस, मैं आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आपका जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो है इतना टॉक्सिक नहीं है, ये नहीं कि ये खा के आप मर जाएंगे, ठीक है। गलती से अगर आप इसको खा भी लेते हैं तो कोई डरने का जरूरत नहीं है, ये खाने से आप नहीं मरेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं खाना है क्योंकि गाइस, ये खाने पर जो है आपका ये थ्रोट है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो आपका जलन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, ठीक है। प्लस एक्सटर्नल आपका जो स्किन है वहाँ में भी आपको जो है एलर्जिक सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको खाना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा है, ठीक है, आप इसको अपना कपड़ा लोग का बीच में रख सकते हैं मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, जूता के अंदर रख सकते हैं, स्मार्टफोन्स के साथ रख सकते हैं, ठीक है, इसका बहुत सारा यूज़ है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको फेंके नहीं, आप ये जो है आप कहीं रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ में आपको मॉइस्चर सोखने का काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस, ये वीडियो में जो है आपको माइक दिखाना था और ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना था, ठीक है। तो वही है गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वही है, सब्सक्राइब करना है, राइट, फ्यूचर में अच्छा अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है।